हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्टिन और मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुप्रा। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी है एक ऐसी कचौड़ी जो कि सत्तू से बनी हुई है, लेकिन ये ऑर्डिनरी कचौड़ी नहीं है, ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी है और इसे अगर आप घर पे बनाएंगे एज अ ब्रेकफास्ट तो भी आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। खाने के बाद जो पेट में जलन या प्रॉब्लम होती है ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी ही बनी हुई है। अगर इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक बर्तन में एक कप सत्तू लेंगे, यानी कि रोस्टेड ग्राम फ्लोर जो होता है वो लेंगे, साथ ही में एक पिंच कलौंजी और एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक पिंच आमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक छोटी चम्मच हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून के करीब चॉप किया हुआ प्याज, एक छोटी चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब कुछ ड्रॉप्स हम लोग डालेंगे लेमन जूस का। यहाँ पे आप अचार का मसाला भी मिला सकते हो, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब इसमें नॉर्मल सॉल्ट भी डालेंगे 1 छोटी चम्मच और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब पानी यूज करेंगे हम लोग और इसको बिल्कुल अच्छे से इसका आटा जैसा तैयार कर लेना है। आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम पानी डाल सकते हैं इसमें। अब उसे हाथ से मिला लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और एक चलनी को हम लोग डाल के उसमें आटा जो है, यानी कि 2 कप के करीब मैदा लेके उसे हमें छान लेना है। अब उसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच के करीब हमें उसमें मंगरेल भी डालना है और साथ ही में यहाँ पे नमक भी डालेंगे, तो करीब 1 टेबलस्पून के करीब हम लोग यहाँ पे नमक डालेंगे। आप चाहे तो सोडा भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं यूज कर रही हूँ। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर घी भी डाल सकते हैं, और सबको मिक्स करते हुए आटा तैयार करना है। तो अब यहाँ पे पानी डालेंगे और आटा को तैयार करेंगे। आटा रेडी हो चुका है देखिए, तो फिर इसे गीले कपड़े से ढक के अलग रख लेंगे। अब एक कटोरी में 2 टेबलस्पून के करीब घी और 2 टेबलस्पून मैदा दोनों को लेके एक पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। अब पेस्ट भी तैयार हो चुका है और ये आटा भी बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है, रेडी हो चुका है, तो इसे हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब उसे हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब सबकी लोई बना के हम लोग अलग रख लेंगे। अब एक चकला और बेलन की मदद से उसकी रोटियां बना लेंगे। अब उसमें जो मैदा और घी का पेस्ट हमने बनाया है वो पेस्ट लेके अच्छे से उस पे स्प्रेड कर लेना है।
इससे ही, इसी स्टेज पे जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं उससे ही कचौड़ियाँ खस्ती बनेंगी और फ्लेकी बनेंगी। अब इसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे मोड़ लेना है। सिमिलरली हम लोग अगली रोटी भी बनाएंगे और उसमें भी वो पेस्ट बना के सबको तैयार कर लेंगे। अब इससे कुछ देर रख लेना है। दस मिनट बाद हमें फिर वो जो रैप किया हुआ रोटी है उसको लेके और उसे बेल लेना है। यहाँ पे हमें गोल बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसा भी शेप यहाँ पे बन जाए वैसा बनने दे। अब इस पे जो हमारा फिलिंग है वो डालेंगे। और उसे हमें रैप कर लेना है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि कहीं पे गैप ना हो और अच्छे से उसका कचौड़ी बना लेना है। इसी तरह हमें अगली रोटी भी बेल लेनी है और फिलिंग डालने के बाद उसकी भी कचौड़ी हम लोग रैप करके रख लेंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेनी है। और मीनवाइल हम लोग तेल भी गर्म करने को रख देंगे जो कि लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रहेगा, तभी ये कचौड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। सारी कचौड़ियाँ तैयार है और तेल भी गर्म हो चुका है, तो फिर हम लोग एक एक करके कचौड़ियाँ डालेंगे और उसे बिल्कुल अच्छे से पका लेना है, कहीं से कच्चा ना रहे। इसको वो मीडियम फ्लेम पे आप बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ अच्छी बनेगी। देखिए सारी कचौड़ियाँ अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।